आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों मेथी खाना हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है, परंतु दोस्तों मेथी को तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम मेथी को तोड़ पाएँ। जितना इसे तोड़ना कठिन है उतनी ही ये सस्ती होती है दोस्तों। 10 रुपीज़ में ये 1/2 kg, 1 kg आ जाती है मेथी, और हमें मेथी की भाजी ज़रूर खाना चाहिए। परंतु आज मैं आपको काटने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ दोस्तों, जिसमें हमें बिल्कुल मेहनत नहीं। जब भी आप मेथी खरीदें, इस तरह की गड्डी वाली मेथी खरीदें, आप समझ रहे होंगे बंच वाली मेथी को साफ करना बहुत आसान है। हम कब तक के इसकी एक एक जड़ निकालेंगे और अंदर से ये छोटी छोटी सी जो पत्तियाँ हैं वो निकालें। तो दोस्तों आप गुच्छे में जो मेथी आती है वो लें, और मैं आपको बताती हूँ इसके अलावा हमें चाहिए कैंची, जो हमारी किचन की सीजर होती है, बस हमें वो लेना है दोस्तों। और इस तरह से हमें मेथी को काटना है। इतना हम इसकी जो डंडी का हिस्सा है यहाँ तक के छोड़ रहे हैं इसका स्टेम का हिस्सा, और सिर्फ लीफ लीफ इसे काटेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम जब इसे सीजर से काटेंगे, मैंने एक थाली में रख लिया है ताकि हमारी इस मेथी की गड्डी की सिर्फ पत्तियां आए, ज्यादा इतनी डंडियों का हमें कोई काम नहीं है। अब आप देखिएगा दोस्तों, हम सिर्फ 1 मिनट में मेथी की भाजी को साफ करेंगे इस सीजर की मदद से। इस तरह से गड्डी में हमारी मेथी है दोस्तों, और हम इसे काटेंगे। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने ज्यादातर मेथी का हिस्सा ले लिया है इसमें, थोड़ा सा भी ये नीचे जो बचा है इसे भी हम इसी तरह से सीजर से काट लें। अब आप देखेंगे ये जो हमारा इतना सा ये जो बंच है, इसमें हमारी मेथी की भाजी बहुत कम है, नहीं के बराबर। ज्यादातर इसमें इस तरह की रूट है जो हमारे कोई काम की नहीं है, ये मोटी डंडियां हैं जो हमारे कोई काम की, मुश्किल से थोड़ी सी 10 से 15 पत्तियां हैं। हमने इतनी भाजी काट ली दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसमें सिर्फ पत्तियां ही हैं, तो इसे हमें काटने में मुश्किल से 1 मिनट लगा। उसके अलावा बाद भी आप चाहते हैं कि हम इसे साफ करें, तो अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से बंच को हाथ से टाइट पकड़ें, और जो 2-4 ये पत्तियां दिख रही हैं बस इस तरह से हम इसे फटफट तोड़ते जाएं, इस तरह से बंच को पकड़ें, और ये जो मेथी की पत्तियां हैं बस इस तरह से हम तोड़ते जाएं। और ये देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया हमें मेथी की भाजी को साफ। तो दोस्तों देखा आपने, सिर्फ 1 मिनट में हमने सीजर की मदद से इतनी मेथी काट ली है, और आप इसमें देख रहे होंगे इस बंच में बहुत कम पत्तियां, अगर मैं इन्हें तोड़ूंगी भी तो मुश्किल से इतनी पत्तियां मिलेंगी, जो कि मात्र 1 या 2 रुपए की होंगी। फिर भी आप चाहते हैं तो 1-2 पत्तियां हम इस तरह से तोड़ लें अगर बीच में है तो। ये देखिए दोस्तों कितने आसानी से हमने सभी मेथी की जो पत्तियां दिख रही हमें 1-2 निकाल ली, और इस तरह से हम बहुत ही तेजी से मेथी की पत्तियां तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा हमने कितनी आसानी से मेथी की भाजी को अलग कर लिया। अब इसमें जो पत्तियां आपको 1-2 दिख रही हैं वो बिल्कुल मरी मरी सी पत्तियां हैं, बिल्कुल भी उनमें जान नहीं है, तो यदि हम उन्हें फेंक भी दें तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी इनको फेंकने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर की जो 1-2 पत्तियां हैं उसे हमने खींच के इस तरह से तोड़ लिया है। अब इसमें तोड़ने लायक 1-2 भी पत्तियां नहीं रही हैं। तो दोस्तों जब भी आपको मेथी बनाना हो, आप हमेशा इस तरह से रबर बैंड लगी गड्डी वाली ले, बंच वाली मेथी ले, जिसे हम तुरंत ही सीजर से काट लें। तो दोस्तों ये था मेरा मेथी को साफ करने का तरीका, कि हम सिर्फ सीजर की मदद से ऊपर का हिस्सा काट लें, नीचे हमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसे हम निकालें और मेथी की भाजी इकट्ठी करें। कितने आसानी से हमने मेथी को काट लिया है दोस्तों। उसके अलावा मेथी में कई बार कड़वापन होता है, और फिर थोड़ा सा आप इस तरफ से चेक भी कर लीजिए कि कहीं कुछ है तो नहीं, बिल्कुल हमारी साफ मेथी निकली है। और दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि मेथी की भाजी कई बार मेथी में कड़वापन होता है, तो कड़वापन दूर करने के लिए आप मेथी को पहले धो लीजिए, धोने के बाद थोड़ा सा नमक डाल के आप रख दीजिए, उसके बाद आप इसे काटिए, तो नमक डालने से इसकी कड़वाहट कम होती है। फ्रेंड्स मेरे वीडियो यदि आप लोगों को अच्छे लगते हो, यूजफुल लगते हो, तो उसे करना है आपको लाइक, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। मेरे दोनों चैनल शिखास किचन और टिप्स थिएटर को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको वो बहुत यूजफुल लगते हैं तो उसे आप शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।